हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का संगीताक्षरी में बहुत 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 स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर हम हारमोनियम बजा रहे हैं लेकिन हम उसके साथ अच्छे से गा नहीं पा रहे हैं। हम बजा तो ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम गा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं उन सभी का कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, क्योंकि क्यों नहीं गा पा रहे हैं आप, कि क्यों नहीं गा पा रहे हैं आप, और आप जो हारमोनियम बजा रहे हैं उसके साथ आपका आवाज टैली क्यों नहीं कर रहा है। ये ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, मेन बात यह है कि आप जो हारमोनियम बजाने बैठे हैं और हारमोनियम से गाना गाना आप चाह रहे हैं, वो आपका स्वर जो है हारमोनियम से मिल नहीं रहा है। सबसे मेन बात यही है कि हारमोनियम से आपका स्वर नहीं मिल रहा है। जब आपके स्वर और हारमोनियम के स्वर मिलने लगेंगे तो गाना आप रूप निकलने लगेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जब तक आपका स्वर और हारमोनियम का स्वर टैली नहीं करेगा, तब तक गाना निकालने में आपको परेशानी होगी ही होगी। मान लो कोई गाना आप ले लिए और उस गाने को आप बजाने बैठ गए, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो गाना आपके उंगली पर नहीं आ रहा है, आपका उंगली कहीं और जा रहा है और गाने का स्वर कहीं और जा रहा है, तो फिर दिक्कत होगी, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और आप छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। किसी गाने को मान लेते हैं कि हम ले लिए, जैसे अच्छा उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको हल्का गाना लेना है, भारी गाना नहीं लेना, हल्का गाना जो साधारण साधारण स्वरों में हो। जैसे एक प्यार का नगमा है, तो ये क्या है, इसमें सीधा सीधा स्वर लगा है। एक प्यार का नगमा है, अब इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर लग रहा है, सा सा रे ग ग प म ग। अब होता क्या है कि जब तक आप बोलते हैं एक प्यार का नगमा है, तो आप है रहते हैं, है का जो स्वर है वो ग पर है, वहां मिल रहा है, लेकिन तब तक आप चले आते हैं सा पर, ठीक है। एक प्यार का, तो अब एक प्यार का ये सारे ग से ये सभी स्वर निकल रहे हैं, तब तक आप प पर चले जाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। जैसे एक प्यार का, तो स्वर यहाँ मिल रहा है, तब तक आप प पर चले गए तो उल्टा हो ही जाएगा, मिलेगा नहीं। तो करना क्या है कि आपको अपना स्वर मिलाना है हारमोनियम के स्वरों में, और जो आप का गाना जो है उसका स्वर मांग रहा है वहीं आपको हारमोनियम के बटनों से निकालना है, वहीं तक आपका अंगुली सीमित होना चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा अंगुली चलेगा तो वो दिक्कत करेगी, वो गाना नहीं निकल पाएगा। जैसे एक प्यार का नगमा है, तो नगमा है, इसका स्वर उतर रहा है, नग तो ऊंचा है, नगमा उससे नीचा है, मा उससे नीचा है तो क्या है, एक प्यार का नगमा है, चढ़ा ऊपर स्वर, फिर वहां से नगमा है, पा मा ग। तो ये क्या करना है, आपको उतना ही स्वर लगाना है और उतना ही स्वर आपको अपने अंगुलियों से बजाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट करेंगे तो वो दूसरा स्वर लगेगा, और जब दूसरा स्वर लगेगा तो गाना बिगड़ जाएगा, गाना बिगड़ जाएगा तो फिर आप बजा नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये हमसे नहीं बज पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, और ये कहीं से भी हो सकता है। मान लो कि इसको दूसरी काली से हमको बजाना है, हो सकता है आप दूसरी काली से बजा रहे हो, दूसरी काली से बजाना है तो देख लीजिए, एक प्यार का नगमा है, उसी तरह स्वर चलेंगे, एक प्यार का
अब दूसरी काली के अनुसार आपका सा जो है वो दूसरी काली हो गया, यानी ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये ग हो गया, ये म हो गया, ये प हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्यार का, एक प्यार का सा रे ग ग, एक प्यार का सा रे ग ग, नगमा है पामा। तो क्या हो जाएगा, एक प्यार का नगमा है सा रे ग ग ग पामा ग, सा रे ग ग ग पामा ग, सा रे ग ग ग पामा ग, एक प्यार का नगमा है। यही स्वर लेगा दूसरी लाइन में भी, मौजों की रवानी है सा रे ग ग ग पामा ग, मौजों की रवानी है। अब इस तरह मान लो कि आप और आगे चले जाएंगे, अपने अंगुलियों को लेकर के पीछे चले जाएंगे, तो फिर एक्स्ट्रा स्वर लगेगा, और एक्स्ट्रा स्वर लगेगा तो आपका गाना बिगड़ जाएगा। इस गाने का मैं फुल नोटेशन वीडियो पर YouTube पर डाल चुका हूं अपने चैनल पर, आप वहां से खुल के इसे देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं फिर से वीडियो इसका बना दूंगा, आप उसको देख लेंगे, पूरा नोटेशन दे दूंगा। तो मैंने ये कहा कि आपको अपने अंगुलियों का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना गाने का स्वर मांग रहा है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा चलाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो पहले आपको अभ्यास करना है और गाने को सही से याद करना है, और गाने के अनुसार ही आपको धीरे धीरे अंगुलियों का इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा आप चाहेंगे कि हम ज्यादा फास्ट बजाएं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को फास्ट बजाते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कि जितना हम फास्ट अंगुली चलाएंगे उतना ही फास्ट हम बजा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका जब अंगुली, आपकी अंगुली का पकड़ शक्ति जब बन जाएगा तो आप कितना भी फास्ट चलाएंगे आप गलत नहीं होगा, लेकिन पहले आपको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे अंगुलियों को चलाना है और एक एक स्वर को, एक एक स्वर को अच्छे से समझ करके तब उसका आपको प्रयोग करना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका गाना जो भी निकलेगा वह सही सही निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिल सके। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।